वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका सांसर कंप्यूटर क्लासेस की वीडियो क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी छात्र छात्राएं मुझे कह रहे थे थ्योरी लेकर सर आइए, थ्योरी लेकर आइए, तो मैं थ्योरी लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाए हैं एमएस वर्ड का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स नोट्स, जिससे कि आपको करियर हेल्प सीरीज में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारा वो है सॉफ्टवेयर के विषय में, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें कि आज हमारी क्लास होगी थ्योरी क्लास होगी 5/5/2020 इस लॉकडाउन के में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड की परिचय। तो एमएस वर्ड होती क्या है, सबसे पहले आपके बीच MS Word is a word processing types का application software program। MS Word जो है word processing type का एक application software program है। MS Word most important parts of MS Office package। MS Word जो है MS Office package का बहुत ही important parts है। It is used to create an applications and documents, modify documents and store documents etc। MS Word के अंदर हम लोग किसी भी applications या documents को modify करते हैं, store करते हैं। MS Word basically used for government and non-government office view। और MS Word के अंदर government और non-government के जितने भी officially work होते हैं वो MS Word के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला हम जानेंगे कि आज हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। हाउ टू ओपन ए एमएस वर्ड। गो टू स्टार्ट बटन, प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एमएस वर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स विल बी एमएस डायलॉग बॉक्स आपके MS Word डायलॉग बॉक्स खुलती है। आपके बीच में MS Word कंटेन खुलेगी। जो MS Word कंटेन निम्न इस प्रकार से, सबसे पहला जो बटन होती है उसे हम लोग ऑफिस मेनू बटन कहते हैं। दूसरा रिबन टैब्स होती है। तीसरा क्विक एक्सेस टूल्स बार होती है। चौथा टाइटल बार होती है। और पांचवा विंडोज कंट्रोल टैब्स होती है। दोस्तों, उसके बाद हमारा छठा जो होती है वो मिनिमाइज बटन होती है। सातवां मैक्सिमाइज बटन। आठवां पॉज बटन। नौवां हेल्प आइकन होती है। उसके बाद दसवां होती है फॉन्ट ग्रुप टैब्स। उसके बाद ग्यारहवां होती है कलर ग्रेडिएंट। बारहवें में होती है डायलॉग बॉक्स। उसके बाद एडिटिंग एरिया होती है, स्टेटस बार होती है, जूम एरिया होती है, जूम इन, जूम आउट और स्क्रॉलिंग। ये जितने भी है वो एमएस वर्ड कंटेंट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज जो हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं वो हम कुछ टेक्स्ट को टाइप करते हैं। एट फर्स्ट टाइप इट टेक्स्ट द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक सेंटेंस जिसको हम लोग टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद हम इस सेंटेंस के ऊपर मॉडिफिकेशंस करते हैं। जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो हम लोग फॉन्ट ग्रुप्स के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू यूज फॉन्ट ग्रुप टैब्स। अब ये फॉन्ट ग्रुप टैब्स में जो है हम लोग जो यूज करते हैं, सबसे पहला चीज कि जो मैंने सेंटेंस को लिखा था द
द क्विक ब्राउन फॉक्स एंड ओवर द लेजी डॉग, उस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट सम टेक्स्ट एंड सेलेक्ट इट। सेलेक्ट इट करने के बाद, सेलेक्ट इट जैसे ही करते हैं, करने के बाद हम लोग उस टेक्स्ट का मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई जो हम करते हैं वो फॉर टू टेक्स्ट के माध्यम से। तो दोस्तों आज का क्लास में हम लोग फॉन्ट ग्रुप टाइप्स के बारे में बेसिकली जानेंगे। अगर फॉन्ट फेस स्टाइल पहला, अगर फॉन्ट फेस स्टाइल का प्रयोग हम करते हैं तो इसके माध्यम से टू चेंज ए फॉन्ट स्टाइल, इसे क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल जो है लिखने की जो तरीका है वो चेंज होता है। उसके बाद फॉन्ट साइज, इसके माध्यम से टू चेंज ए फॉन्ट साइज, जो हमारी लिखने की स्क्रिप्ट होती है साइज वो चेंज हो जाती है, जो मिनिमम हमारी होती है मैक्सिमम 72 होती है। ग्रो फॉन्ट, अगर ग्रो फॉन्ट का यूज हम करेंगे तो लार्ज ए फॉन्ट साइज में लिखेंगे, आप जितने बार क्लिकिंग करेंगे उतनी बार आपकी फॉन्ट साइज ग्रोथ करेगी। उसके बाद स्ट्रिंग फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट के माध्यम से हम अपने फॉन्ट या टेक्स्ट को स्मॉल कर सकते हैं, तो स्मॉल एफ फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग करके हम फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पांचवां क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर क्लियर फॉर्मेटिंग में हम लोग क्लिक करते हैं तो जितने भी फॉर्मेटिंग मैंने यूज किया था वो सारे क्लियर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग। अगर हम लोग बोल्ड पे क्लिक करते हैं टू बोल्ड ए टेक्स्ट बाय क्लिकिंग, अगर हम लोग क्लिक करते हैं बोल्ड पे तो हमारी जो टेक्स्ट होगी वो बोल्ड हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। इटालिक पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारी जो टेक्स्ट होती है लाइगन इटालिक साइज बाय क्लिकिंग, वो इटालिक साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद ही यू पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो मतलब अंडरलाइन, टू ड्रॉ ए अंडरलाइन इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरी थी आज की, अब हम चलते हैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, एमएस वर्ड को ओपन कर लें, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को आप टाइप करें, इक्वल डेंट, मैंने ये टेक्स्ट को टाइप कर दिया। देखिए सबसे पहला जो होती है ये टेक्स्ट टाइप हो गई, इसके बाद स्टेप जितने भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला चीज है ये फॉन्ट ग्रुप टाइप्स, आज जो मैंने थ्योरी में बताया टाइप्स की वजह से यहाँ पे हम लोग सबसे पहला फॉन्ट साइज को या फॉन्ट स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। आप जो भी फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्क्रिप्ट को लेना चाहते हैं उस टाइप का हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट, यहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज मिनिमम 8 मैक्सिमाइज 72 कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज 72 से अधिक लेना हो तो ग्रो फॉन्ट में आप क्लिक कीजिए, अगर फॉन्ट साइज को हम छोटा करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग फॉन्ट में क्लिक करेंगे, और हम चाहते हैं कि पहले जैसी जो मेरी टेक्स्ट थी फॉन्ट थी उस तरह उसे क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे देखिए बी पे अगर क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाएगी, आई पे क्लिक करते हैं इटालिक हो जाएगी, यू पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन, और हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग करके ये सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक्स टू, अगर मान लीजिए इस टू को मुझे सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले टू को सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, वहां से हम लोग सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि टू को लोग सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों सी क्लियर फॉर्मेटिंग करते रहे प्लस सी और टू, अब अगर हम टू को सुपर स्क्रिप्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू को सही
सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट में। दोस्तों उसके बाद हमारा जो था क्लास नीचे में चलते हैं 11 नंबर में, वो है चेंज केस। चेंज केस में हम 5 तरह का केस प्राप्त करते हैं, जैसे एक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस और टोटल केस। अब इस केस का प्रयोग जो हम करके दिखाएं, मान लीजिए क्लियर फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, मैंने कोई किसी प्रकार का टेक्स्ट लिख दिया, इंडिया फाइट कोरोना वायरस या कोविड-19। अब मुझे अगर जानना है कि ये कौन सा केस में आता है तो हम लोग चेंज केस पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में पहला कैपिटल होगी, बाकी बस सारे वर्ड जो है टेक्स्ट में छोटे हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं लोअर केस में, तो आप देखेंगे कि लोअर केस में सारे केस जो है छोटे हो जाएंगे। उसके बाद अपर केस, तो सारे केस जो है कैपिटल हो जाएगी, अपर हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग करते रहे, साइज करते रहे, अब मुझे देखना है कि कैपिटलाइज इस वर्ड, तो कैपिटलाइज इस वर्ड में होती है कि पहला सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल होती है, बाद इसमें जैसे इंडिया का आई कैपिटल, फाइट का एफ, कोरोना का सी, वायरस का भी, ये जो है कैपिटलाइज इस वर्ड पे है। अगर हम लोग इसके अंदर टूगल केस करते हैं तो जितने भी टैक्स कैपिटल थी वो स्मॉल हो जाएगी और जो स्मॉल थी वो कैपिटल हो जाएगी, जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ कैपिटलाइज इस वर्ड। तो दोस्तों आज का हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास आप सभी को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, तो हमें याद रखिएगा आपका शानसर खुश रहे, आपका परिवार। Stay home, stay safe. Thank you.